हाय, वेलकम टू हिंदुस्तान क्लासेस। मैं हूँ हर्षित राज। आज के वीडियो में हम क्लास 10th प्रीवियस ईयर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन तीनों से पूरा पूरा कट जाए। तो हमारा सिक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 9, 9, 9, 9, 9 और 9। ये हमारा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, लेकिन ये तो इन तीनों से नहीं कटेगा। तो हम ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से कटे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 18, 24 और 36। इन तीनों का मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो हमारा एलसीएम आ गया कितना आया, 72। हमने इन तीनों का एलसीएम निकाला तो हमारा 72 आ गया। लेकिन ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 72 क्या है, 72 एक 2 डिजिट नंबर है। हमें चाहिए क्या, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 72 से 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड देंगे तो जितना भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, मान लीजिए यहाँ कुछ रिमाइंडर बचा, जितना कि हमारा रिमाइंडर बचेगा इसको डिवाइड देने के बाद, मान ली तो इसमें हमारा रिमाइंडर मैं करके रखा हूँ तो यहाँ पर 63 बचेगा। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 63। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 63 बचा तो हम रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम 9, 9, 9, 9, 9, 9 में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना है, 6, 3, 9, 9, 9, 9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया, ये हमारा नंबर आ गया जो इन तीनों से 18, 24 और 36 से पूरा पूरा कट जाएगा। पहले हमने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम ले लिया, फिर एलसीएम जो आया उसको जितना 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड दे दिया, और जो रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर बचा उसको 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाएगा 18, 24 और 36 से। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 बेल्स टोल एट इन्वर्टर इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। मतलब 3 बेल हैं जो 9, 9, 9 मिनट, 20 मिनट और 15 मिनट के बाद बजते हैं। जैसे पहला जो बेल है, मान लीजिए कि ये बेल है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये पहला बेल है, ये 15 मिनट के इंटरवल के, 9 मिनट के इंटरवल के बाद बजता है। यानी पहले 9 मिनट, पहले अभी बजा तो बाद में अगला बार 9 मिनट बाद बजेगा, दूसरा अभी बजा तो अगला बार 12 मिनट बाद बजेगा, और तीसरा जो है अगले बार 15 मिनट बाद। यानी इंटरवल दिया गया है 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट। इफ़ दे स्टार्ट ट्रोलिंग टुगेदर, अगर तीनों साथ बजना स्टार्ट करते हैं, जैसे इसी पॉइंट पर तीनों बजना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों एक साथ बजना स्टार्ट करते हैं तो वे अगले बार, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, मतलब अगले बार वे कब एक साथ बजेंगे, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15। 9, 12 एंड 15 का हम एलसीएम निकालेंगे, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 3, 5। तो हमारा एलसीएम आ गया 60। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 180। एलसीएम हमारा 180 हो गया। तो यही वो टाइम आया इतना ही देर बाद जब स्टार्ट होते हैं एक साथ बजना स्टार्ट, जब होते हैं अभी एक साथ बजना स्टार्ट हुए हैं तो 180 मिनट बाद, 180 मिनट बाद ये फिर दोबारा एक साथ बजेंगे। अभी अभी एक साथ बजे हैं तो 180 मिनट बाद हम एलसीएम निकाल कर 180 मिनट बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96।
पहले हमें HCF और LCM निकालना है इन दोनों का, फिर हमें वेरीफाई करना है कि ये HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब HCF जो आएगा और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर का भी प्रोडक्ट दोनों बराबर होगा। तो चलिए पहले हम 404 और 96 का फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 404 का फैक्टराइज फैक्टर आया 2 की पावर 2 इंटू 101 और 96 का 2 की पावर 5 इंटू 3। तो हम यहाँ पर HCF निकालेंगे पहले। तो हमारा HCF क्या होता है, जो मिनिमम कॉमन होता है, मिनिमम कॉमन। तो हमारा मिनिमम कॉमन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल 2 की पावर 2 ही इन दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं इसमें और इसमें केवल 2 की पावर 2 ही कॉमन है। यहाँ 2 2 बार है और यहाँ 2 2 5 बार है, तो हम 2 2 ही बार कॉमन ले सकते हैं। तो 2 की पावर 2 बराबर 4 HCF हो गया। अगर हम LCM बात करें तो ये हाईएस्ट पावर होता है। तो हमारे यहाँ पर दोनों में हम 2 की पावर 5 को इसमें लेंगे और फिर ये जो बच जाता है अकेले अकेले जो रहते हैं उनको भी लेते हैं, यानी 3 इंटू 101। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9696। तो हमारा HCF आ गया 4 और LCM आ गया 9696। अब हम HCF को LCM से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो पहले हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 HCF 4 था और LCM कितना था 9696। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आ गया 4878 3। ये हमारा इन दोनों को HCF और LCM को मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। अब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 404 इंटू 96। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया कि ये दोनों जो हैं इक्वल होते हैं। जब HCF इंटू LCM किए तो हमारा इतना ही इतना आया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किए तो हमारा इतना आया। तो ये वेरीफाइड हो गया कि ये सही है।